काका है जवेद मियां दाद का। जवेद मियां दाद इतने मासूम हैं कि जब वो बात करते हैं तो लगता है कोई बच्चा रटा हुआ सबक सुना रहा है। ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के लिए पहले कैच करना पड़ता है, वरना कानों तक पहुंचते पहुंचते उनकी आवाज़ ड्रॉप भी हो सकती है। ऐसी आवाज़ के फ़ोन पर किसी से पूछते हैं कि फ़्लाइट कितने बजे टेक ऑफ कर रही है, तो जवाब मिलता, मैडम होल्ड करें, पता करके बताते हैं। इस शख्स की बेनियाजी का अंदाज़ा लगा लें जिसे किसी दाद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके नाम में दाद है। जावेद मियां दाद क्रिकेट के इतने बड़े लीजेंड हैं कि उनका हर स्टेडियम में मुजस्मा होना चाहिए, मगर वो इतने हम्बल हैं कि उन्होंने कहना है, मुजस्मे की क्या ज़रूरत, माकूल मुआवजा दें, मैं खुद मुजस्मे की जगह खड़ा हो जाऊँगा। अक्सर नॉट आउट रहते हैं, पैदा हुए जो ही नर्स उन्हें कैच करके खुश हुई, डॉक्टर ने नॉट आउट करार दे दिया। पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी बना डाली, जिस मैच में 100 से कम पर आउट हों, अंपायरों को यूं देखते हैं जैसे कह रहे हूँ धांधली हुई है, काउंटिंग दोबारा करो। स्पोर्ट लवर हैं, मतलब जो स्पोर्ट कर रहे उसको लव करते हैं। दूसरे कमाकर पैसा घर लाते हैं, इनके घर पैसा खुद आके कहता है मुझे कमाओ। जावेद मियांदाद कहता है क्रिकेट दिमाग से खेली जाती है। अच्छा, मैं जिसे शतरंज समझता था वो क्रिकेट थी। वैसे क्रिकेट दिमाग से खेलते हैं तो जावेद भाई आप फिर कैसे खेल लेते हैं? हालांकि 1874 में टेस्टिकुलर गार्ड्स शुरू हो गए थे और 1974 में जाकर हेलमेट बनाया गया, मतलब 100 साल लगे ये समझने में कि दिमाग भी अहम है। हमारा एक दोस्त कहता है अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए लेग्स पर नज़र रखनी चाहिए, तब भी पता चलेगा फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है, शॉर्ट लेग है, लेग स्टैंप है, ये लेग बाई है, मतलब लेग्स के साथ बाई के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी भी क्रिकेटर से पूछो आपका सबसे अच्छा कैच कौन सा था, तो बेशतर अपनी बीवी का नाम लेते हैं। जावेद मियां दाद से कुछ भी पूछो जवाब शारजा का छक्का होता है। कहते हैं मेरा छक्का विराट कोहली से भी बड़ा है। जी हाँ, 3 साल बड़ा है, उनका छक्का 38 साल का हो गया है। टीवी शोज में आज भी जावेद को बाद में उनके छक्के को पहले बुला लेते हैं। मानते हैं हरकत में बरकत है, इसीलिए मैच में हरकतें करते रहते हैं। इन मैचेस के दौरान उनकी हरकतें देख देख कर लगता है चीनियों ने टिकटॉक ईजाद किया। एक बार जावेद ने डेनिस लिली को धक्का दिया तो उसने टांग मार दी। बाद में जावेद ने अपनी गलती मानी कि घोड़े को धक्का मारोगे तो वो टांग नहीं मारेगा तो क्या आंख मारेगा। इतना बोलते कि क्रिकेट मैचों के दौरान अक्सर उन्हें बैट्समैन के करीब फील्डिंग दी जाती और ये मुसलसल बोल बोल कर बैट्समैन को आउट कर देते। विकेट पर खड़े रहने की ऐसी आदत पड़ी कि अब तक खड़े हैं, वरना आम से क्रिकेटर्स को भी बैठने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां मिल गई हैं। जावेद मियां दाद की छक्का मारने की आदत आज भी नहीं गई। आपके साथ हैं तो अलर्ट रहें, दुराने गुफ्तगु पता नहीं कब छक्का मार कर आपको बाउंड्री से बाहर पहुंचा दें।